आप हेडक्वार्टर पर कौन है हेडक्वार्टर कल डीके का नंबर है आपके नहीं नहीं है फोन भी रिसीव नहीं करते हो अभी अभी आकर ये तीन साल से चार साल से चल रहा है आपकी बात सर एक मिनट इसमें क्लियर मेंशन करा हुआ है कोई आपके पास में आप तक कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं करें कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं करें आप भरी नहीं है तो आपको नहीं लैंड तो हम उठा के नहीं लेके चले आ रहे आप उठा के नहीं लेके चले आ रहे पर काम तो रुकाइएगा ना काम चलेगा काम आदेश मिल गया आप मेरी बात आदेश आपका मिला होगा मगर यहाँ पे क्या है सर देखिए आप ये आपकी बात सही है बट ये डॉक्यूमेंट जब तक हमको बोलेगा नहीं हमारा हेडक्वार्टर आप आप मेरे साथ से चलिए आप किससे बात करना बताइए यहाँ से नहीं जा तो किसी बंदे को भेजिए आप आपको हेडक्वार्टर डीके से बात करना पड़ेगा कौन है डीके क्या मिला के दीजिए आपको फोन मिला के दीजिए नहीं क्या है डीके क्या है सर कौन डीके लैंड तो आप कहाँ रुकाइए आप कहाँ रुकाए फिलो खा रुकाइए आप कहाँ नहीं सर ये डॉक्यूमेंट अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप ये मेरा तो नहीं है ये कलेक्टर का ऑर्डर है सर सर एक मिनट सर ये कलेक्टर का ऑर्डर है कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद कलेक्टर का है जो आदेश दिया मैं मानता हूँ ठीक है मान गया बट मेरे को जो आदेश मेरा उस हिसाब से काम तो आप किसी बंदे को मेरे साथ में भेजिए आप क्लियर मेंशन है सर आप लोग के पास कोई अब तक डॉक्यूमेंट शो नहीं करे ना आपका कोई प्रूफ है यहाँ पर ये कलेक्टर आर्डर आप पढ़ी लिए तो आप चलिए आप चलिए तो सही अगर उन्होंने बोलिए क्या है तो फिर बात करिए मैं भी कलेक्टर से बात किया अभी हमारे ये एरिया का तहसीलदार का सर्वेयर आ रहा अभी वो भी आपसे बात करेंगे आप पहले रेवेन्यू वाले से तो कॉन्टेक्ट करिए सर पार्टी नहीं होगा तो फिर आएंगे फेंसिंग कंडीशन तो कैसा होगा सर आदेश नहीं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ सुनो कुछ मेरी बात हम फेंसिंग लगाएंगे अगर मेरे को आदेश मिलता है कैसे करेंगे सर आप एक घंटा रोकिए आप एक घंटा तो रोकिए आप आपका रिकॉर्ड तो मंगाइए आप अब यहाँ प्रेजेंट एमआरओ के लोग आ रहे हैं तहसीलदार के लोग आ रहे हैं उनसे बात करके उनका रिकॉर्ड चेक करिए आपका रिकॉर्ड चेक करिए ये मेरे घर का तो नहीं है रिकॉर्ड मैं बनाया ऐसा तो नहीं है ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है ना सर इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको आप काम रोकिए आप चलिए मेरे साथ वहाँ पर गेट के पास दो दो घंटे रुका देते हैं मैं बता देता हूँ आप किसी के बंदे को भेजिए मेरे साथ में मैं जाता हूँ वहाँ पर आप चाहिए होते फोन करके बता दूँ आप काम रोकिए अहमद गए उनको मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे हैदराबाद तेलंगाना का जो कलेक्टर है गवर्नमेंट के आईएएस ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट है यदि क्या साहब कमीशन ऑफ सर्वेयर सेटलमेंट लैंड का रिकॉर्ड है ये इससे बढ़कर कोई भी नहीं है तेलंगाना में उन्हें क्लियर लिख रहा है उसके अंदर आपको कि आर्मी वाले अब तक हमारे को चार साल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं करे उसने सर्वे नंबर डाल दिया उसके अंदर कलेक्टर है ठीक है आप जा रही मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ काम नहीं कोई अमीर लोग नहीं है सर पूरे छोटे छोटे गरीब लोग हैं पूरे सही बात बिल्कुल सही है बट आप मेरी बात नहीं समझ रहे आपकी बात समझ रहा सर बात कर सकते हैं बात कर सकते हैं आप फिर आप भाई बोले तो आ रहे हैं आप एक बड़े आदमी की बात नहीं कर रहे भाई गाली नहीं देना गाली दी है अब देख तो रहे हो गाली दी है गाली नहीं देना गाली दी है ना एक मिनट आप जाएंगे मैं बता दूँ आप गेट के पास रुकिए अभी वो सर्वर भी आ रहे हैं मैं बात करकर आऊंगा मशीन ले लेके आ गए तोड़ देने का से पूरी पुलिस बुला ली आर्मी वालों को बुला लिया पूरा तोड़ दिया अब 2017 से रुका हुआ है मैं आ तो मैं जेसी बोले तहसीलदार बोल के नोटिस शुरू करना अय्या पता आपके तहसीलदार एक घंटे से आने में सरगर आने में कम से कम आप चलिए डीके साहब करने चलिए मैडम रिगार्डिंग साले नगर कंचा इलाके के अंदर आर्मी के ऑफिसर्स आकर बगैर इत्तला रेवेन्यू के वहां पर चंद मकानात कम से कम 12 से 15 मकानात की
बाउंड्री फिक्स कर रहे थे जिसमें इत्तला मिलते वहां पर मौके वारदात पर पहुंचकर डिफेंस ऑफिसर्स और मिलिट्री के कमांडर राजेश कुमार शाह साहब से रामदेवगुड़े में मुलाकात की गई और उनको तफसीलात बताया कि जो सर्वे नंबर पर जो डिस्प्यूट चल रहा है उन्होंने बता रहे हैं कि 200 पी और जो प्राइवेट नंबर है सर्वे नंबर 200 पर और उसके लिए तफसीलात बताया ये लैंड सेटलमेंट कमिश्नर के पास पेंडिंग है और रीसर्वे के लिए और उन्होंने बताया कि कम से कम ये हमारे को रिपोर्ट आ चुकी है गवर्नमेंट और कंटोनमेंट लाइन बन रहा और उसके बाद कमांडर साहब को शाह साहब को बताने के बाद उन्होंने तयखुन दिया कि जल्द से जल्द जॉइंट सर्वे करने के लिए तयखुन दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर सर्वे जॉइंट सर्वे में लैंड रिकॉर्ड सर्वे रेवेन्यू डिफेंस सर्वे में अगर ये हमारी जमीन आ जाती तो हम ले लेते अगर प्राइवेट आती तो प्राइवेट को हम दे देते और फिलोखत वो काम जो कर रहे थे बाउंड्री फेंसिंग का वो काम को रोक दिया गया। उसके बाद गोलकुंडा 18 श्री में सालों पुराना कब्रस्तान है उसके बारे में भी तफसीलात बताए और उन्होंने तयखुन दिया उसका भी सर्वे कराने का और सात गुम्बज के पास खुली कुतुब शाह नगर जो एक रोड जाती है मस्जिद गवर वहां के इलाके में एक ही रोड है वो रोड को भी बंद किया गया था। हालिया में असम्बली में कारवान के जो आर्मी के ऑफिसर सतारे हैं उसके बारे में भी तफसीलात बताया और उन्होंने तयखुन दिया कि चार पांच जगह पर जो डिस्प्यूट चल रहा है वो फिर रीसर्वे कराकर जहां रोड बंद कर दिए गए वो रोडों को चालू कराने का तयखुन दिया और जो घरों को मिट्टी के इलाके में जो भी अगर प्राइवेट आती है तो प्राइवेट छोड़ देने के लिए तयखुन दिया गया और आज के डिफेंस ऑफिसर के पास गोलकुंडा एमआरओ को और सर्वेयर को और जैसे इत्तला मिलते ही कलेक्टर हैदराबाद जॉइंट कलेक्टर हैदराबाद इन तमाम आरडीओ हैदराबाद से तफसीली फोन पर बात की गई। उसके बाद एमआरओ को उन्होंने भेजा एमआरओ को वहां पर मिलिट्री के अहदेदारों के पास जाकर तफसीला डॉक्यूमेंट बताने के बाद उन्होंने 10 से 12 दिन का टाइम दिया उस 10 से 12 दिन के अंदर रीसर्वे के लिए कोशिश की जाएगी। और रहा सवाल जो हल्के में कारवान के अंदर जो भी आर्मी के अहदेदार इब्राहिम बाग हो रामदेवगुड़ा हो या गोलकुंडा हो या टोली चौकी हकीम बेट हो या मोहम्मदी लाइन हो इन तमाम इलाके जात के अंदर जो आर्मी के अहदेदारों का एक साल से जुल्म बढ़ते जा रहा है इसके ताल्लुक से भी राजेश कुमार शाह कमांडेंट साहब से तफसीलात बताए और उन्होंने तयखुन दिया कि इसके लिए मैं इंक्वायरी कराऊंगा और आर्मी की पुलिस को वहां पर छोड़ने का तयखुन दिया गया और जो आज की जो हालात थे वो काम को रोक दिया गया और उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिन तक यह काम को रोक दिया जाएगा। उसके बाद सर्वे के बाद अगर प्राइवेट होती तो प्राइवेट को लेने का तयखुन दिया।